सर छोटू राम एक बहुत बड़ी हरियाणा पंजाब की जो हस्ती थी। अगर आप किसी यंग जनरेशन से पूछोगे मेरी उम्र के लड़कों को, शायद किसी को नहीं पता कि कौन थे, शायद आपको भी नहीं पता हो जाए। मगर यही बात अब 80-90 साल के किसी बुजुर्ग से पूछोगे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। उनको पता था कि सर छोटू राम हमारे लिए क्या करते गए। हमें जमीनें जो दिलवाई है, जो कानूनी तौर पर हमें जमीनें दिलवाई गई, जो बागड़ा नंगल डैम से पानी दिया गया, उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन। आज मैं उनके जीवन के बारे में एक लेख है, IPS ऑफिसर भगवान दास जो जाटों के पहले उनके लिखा हुआ, वो एक छोटी सी जीवन की कहानी बताना चाहता हूँ। तो पहले ही छोटू राम का जो सबसे बड़ा हमारा कंट्रीब्यूशन था वो 1938 में उन्होंने साहूकार पंजीकरण एक्ट लाए थे। उससे पहले क्या होता था कि ये बनिए किसानों को लूटते रहते थे, बिना लिखे ब्याज दे देते, किसानों को हिसाब किताब आता नहीं था। छिक्कम छिक्का छाण में दो ब्याज के दो ब्याज के दे दे 100 रुपये, तो लूटते रहते थे। 100 रुपये लिए उनसे, 1000 रुपये लेने के बावजूद उनका कर्ज नहीं उतरता था, सिर्फ उनके लिए बनवा मजदूर। तो छोटू राम ने एक एक्ट लगाया कि अगर आप जब पैसा देते हो ना, उसका सरकारी पंजीकरण करना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं दोगे, लिखो एक सरकारी डॉक्यूमेंट बनाओ ताकि कल तुम धंधलेबाजी ना करो। तो उसमें बनिए जो बनियों के जो साहूकारों के पूत थे ना, कैसी थी ये माई जिसने जम्या छोटू राम जैसा कसाई, उनके तो पता नहीं आजादी के बिरी में बैठे खा रहे थे। चलो वो एक था कि कैसे उसने बंधुआ मजदूरी से किसानों का आजाद कराया, कैसे उसने जमीनें दिलवाई, कैसा खेतों में पानी दिलवाने के लिए बागड़ा नंगल डैम बनाया। पंजाब की पॉलिटिक्स उनकी अपनी पार्टी थी। चलो अब हम लेख पर आते हैं। ये किस्सा है पहले जाटों का जो IAS IPS ऑफिसर था भगवान सिंह, उसका है। ये जिंदगी में सबके दौर आता है कि जो भगवान सिंह का जो पिताजी थे वीरी सिंह और छोटू राम एक स्कूल में पढ़ते थे, पुराने दोस्त थे। तो जब सबकी जिंदगी में होता है, जब भगवान सिंह बढ़ रहे थे पढ़े थे तो नया नया सोच आती है। तो स्कूल में पढ़ रहे थे तो उसके दिमाग में आया, पहले वो मिल गए जाके आर्य समाजियों से, नई नई अच्छी लगी सोच। फिर वो मिल गए जाके कांग्रेस से, कॉलेज के दिन थे उनके, क्योंकि नई सोच उसी लगा कांग्रेस और जा, फिर कांग्रेस सोशलिस्ट से मिल गए, फिर मार्क्सवादियों से जाके। तो आंदोलन करते थे, नारे लगाते थे, तो उनके पिता को आया गुस्सा, भाई चक्कर क्या है भाई, तो इन चक्करों में कहाँ पड़ रहा है। तो उन्होंने छोटू राम को बोला कि ऐसे ऐसे करके मेरा बेटा तो कभी इधर भटक रहा है, कभी उधर भटक रहा है। तो छोटू राम जी को आया जी उनके मिलने, भाई ठीक है उसको थोड़ा समझाओ। तो आके पूछे कि बेटा आप कर क्या रहे, कहता मेरे को तो देश की सेवा करनी है। तो कहता बेटा अभी दूसरा विश्व युद्ध चलने वाला है, तो इसमें फौज में भर्ती हो जा, मैं तेरी थोड़ी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। तब तेरे पास, जब तू फौज में भर्ती होगा, तेरे पास एक्सपीरियंस भी होगा कैसे ऑर्गेनाइज होना होता है, तेरे पास साधन भी होगा, कुछ पैसा भी होगा, कुछ एक्सपीरियंस भी, तब तू देश की सेवा करेगी। अभी ना तेरे पास साधन है। तो कहता कि फिर मैं अब क्यों नहीं कर सकता, चलो ठीक है बाद में कर सकता। कहता बेटा अभी तो जो इनके पार्टियों के पीछे लग रहा है ना, कांग्रेस होगी या मार्क्सवादी होगी या आर्य समाजी, इनमें सिर्फ तू पीछे नारा लगाने वाला, तू किसान का बेटा है, तू एक किसान का बेटा है और तू क्या बनेगा, नारा लगाने वाला ही बनेगा, झोड़ा छाप एक वॉलंटियर ही बन सकता है, इसके ऊपर तेरे यहाँ ग्रो करने का कोई चांस नहीं है। यही है, सिखों ने भी जब ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन किया था और सर छोटू राम ने खुद प्रमोट किया था, उसके पीछे एक कारण था कि हमारे उसमें राजनीति में कोई स्थान नहीं है, हम नीचे वॉलंटियर नारा जय जय बोलने वाले बन सकते हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं बन सकते। तो उन्होंने बोला कि बेटा इससे अच्छा तो है कि आप IPS ऑफिसर बनो और मिलिट्री में जाओ, कुछ सीखो, कुछ अपना कद बढ़ाओ, उसके बाद देश की अपने समाज की सेवा कर सकते हो, तब सेवा। तो जी बात 2-3 दिन का दौर चला समझाने में, तो उनके खैर कुछ दिनों बाद उसको बात समझ भी आ गई कि ठीक है। तो उन्होंने उसको लिख भेजा और उसको लेफ्टिनेंट, मतलब कि पहले सूबेदार फिर लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए और बाद में कर्नल बन गए। कुछ सालों के बाद प्रमोशन होता चला गया, भगवान सिंह अब कर्नल बन गए हैं। तो उन्होंने क्या हुआ कि उनके एरिया में एक बार आगरा में कुछ वो हो रहा था, किसान सभा हो रही थी, उसमें जाके उन्होंने कुछ साइंस विन कर दिए, पार्ट बन गए, किसान के पुत्र थे, किसान की तरफ होता है। तो अंग्रेजों का जो होता है ना गुफिया तत्व, उसने पहचान लिया, पकड़ लिया, मैं तू यहाँ क्या कर रहा है, सीधा सस्पेंड मारा, नीचे उसको लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया, सूबेदार पत्नी लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया और एक अलग सी जगह खाली जगह में छोड़ दे, तू वहां जाके जॉब कर, जहाँ कोई काम नहीं है, सारा दिन नकारा बैठना।
तो उसको बात समझ आई कि भाई ये तो गड़बड़ होगी। तो फिर उन्होंने छोटू राम जी को लिखा लेख कि ऐसे ऐसे करके ऐसा हो गया। तो जी छोटू राम ने पता नहीं क्या किया, कहता भैया हमारा पूत है, इसको ऐसे नहीं जाने देगा। रुतबा था उनका, एक पार्टी थी यूनियनिस्ट पार्टी, तो उन्होंने चिट्ठी चुट्ठी लिखी, तो अगले महीने भाई साहब फिर करना। और फिर उन्होंने छोटू राम ने बोला कि ऐसा कर भाई, अब आईपीएस ऑफिसर का पुत्र आ रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट है तो लिख। और आईपीएस ऑफिसर कुछ अपना स्पारस थी कुछ वो था, तो भाई साहब कुछ महीनों में, एक साल की ट्रेनिंग होती जो भी है, उसके बाद आईपीएस ऑफिसर, पहले भगवान जाटों के पहले वो आईपीएस ऑफिसर बना दिए गए। तो उनका जो मकसद था ये है कि पहले कुछ पावर होल्ड करो, पार्टियों के इनके जयकारे आप लगा रहे हो या ये कर रहे हो। तो खैर उनकी ऐसे कहानी चलती रही, ये भगवान सिंह का ही लेख है, उन्होंने लिखा है कि उनका जो मकसद था ना कि हमें जो किसान के बेटे हैं, जो छोटी जातों के लोग हैं, आपका राजनीति में पॉलिटिक्स में कोई भी रुतबा नहीं है, सिर्फ आप जय जयकार करने वाले बोलने वाले हो, आप ग्रो नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें पहले पावर को होल्ड करना पड़ेगा, यूनाइटेड होना पड़ेगा। उन्होंने यूनियनिस्ट मिशन पार्टी बनाई थी, आपस के मतभेद, जैटी जाट सैनी गुज्जर मुस्लिम सिख सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, दलित भाई, अपनी पावर को होल्ड करना पड़ेगा कि हमारी पावर क्या है, और अपने लोगों को अच्छी पोजीशन में बैठाना पड़ेगा। वो इस बात को समझते थे क्योंकि उन्होंने सब देख लिया था, इन बातों को वो समझते थे, तो इसलिए उसने कुछ नई जनरेशन को तैयार करा कि आईपीएस ऑफिसर बनेगा तो इसके हाथ में। सर छोटू राम अच्छी पोजीशन में तभी एक बंदे को खींच के ऊपर लेके आए ना, वरना किसान आप जयकारे पार्टियों में बटे रहोगे, अपने आपस में एक दूसरे से लड़ते रहोगे, ये हमें नफरत की लड़ाई खत्म करनी पड़ेगी, पूरे देश को एक करना। मैं नहीं कहता किसी का विरोध करो, पर कुछ जातें इस देश पे राज कर रही हैं, हमें यूनिस्ट होना पड़ेगा, दोबारा करना पड़ेगा, उनसे कब्जे से छुड़वा के सारों का, वो भी है हमने किसी से नफरत, सारे इसमें जो टैलेंट है वो करेगा, वरना आपका शोषण होता रहेगा होता रहेगा। ये उन दर्द ये दिलों की जो कहानी है ना सर छोटू राम की, उनके दर्द थे, कैसे वो समझते थे, कैसे उसके लिए लड़ते थे, उसको बाद में मिटा दिया गया वो अलग बात है, उनसे जो बना जो दिखा उन्होंने किया, हमें उसको दोबारा जिंदा करने की जरूरत है और उनके विचारों पे चलने की जरूरत है। यूनियनिस्ट पार्टी, उनके लेखों को पढ़ो, शुरू करो, छोटी छोटी वीडियो बनाओ ताकि लोग आसानी से समझ सके सुन सके, किसान के बेटे पढ़ते नहीं है, अभी मैं थोड़ी वीडियो बना के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जय किसान, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी।